नमस्कार दोस्तों, साधनाज बास्केट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भिंडी की रेसिपी बनाने वाले हैं। ऐसी तो भिंडी सबको बहुत पसंद है, लेकिन आज जिस तरह से मैं बनाऊंगी, अगर आप भी वैसे बनाएंगे तो सबको और भी पसंद आएगी। तो चलिए, ये आसान सी बनने वाली झटपट भिंडी की रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। क्रिस्पी और कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए ये हमने 200 ग्राम फ्रेश ताज़ी भिंडी ली हुई है। इसे अच्छी तरह से धो कर के साफ कर लिया है और ध्यान रखें कि भिंडी काफ़ी नरम होनी चाहिए। कड़े अगर भिंडी रहेंगे तो उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी। अब हम भिंडी को कट कर लेते हैं। इस तरह से इसके ऊपर के पोर्शन को कट कर लें और थोड़ा सा नीचे भी कट कर लें और इसे लंबे लंबे ऐसे करके काटें। ये देखिए, ऐसे काटते जाएं। ऐसे कर लिया। अगर भिंडी ज़्यादा लंबे हैं तो इसे हाफ भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। और अगर इसमें बीज कुछ ज़्यादा आपको लग रहे हैं तो थोड़े से बीज आप इसे इस तरह से चाकू से निकाल दें। और कम बीज है और नरम है तो फिर उसको रहने दें। इस तरह से करके हमें सारे भिंडी को कट कर लेना है। हमने सभी भिंडी को लंबे आकार में कट कर लिया है। इसे काटते समय ध्यान रखें कि इसे जरा देख करके ही काटें, क्योंकि इसमें कीड़े भी निकलते हैं। और इसे काटने के बाद इसमें अब एक एक करके सारे मसाले हमें मिक्स करने हैं। और यदि आप जब भिंडी काट रहे हों और ज़्यादा ये चिपक रही है या इससे ज़्यादा लेस निकल रही है, तो चाकू में आप विनेगर या नींबू का रस डाल करके इसे काटें तो ये काफ़ी अच्छी तरह से कट जाती हैं। तो चलिए, अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले को मिक्स कर लेते हैं। कटे हुए भिंडी में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इसके लिए हमने एक बड़ा सा इस तरह का बर्तन लिया हुआ है और इसमें सभी भिंडी को डाल देना है। इसमें हमने आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर के पाउडर और आधी टीस्पून पुदीने के पत्ते जो सूखे हुए हैं उसके पाउडर डाल रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने बेसन डाला है। और 1 टेबल स्पून आटा चावल का है, ये डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसे मिक्स कर लें जिससे सारे मसाले भिंडी के ऊपर सही तरीके से कोटिंग हो जाए इसकी। ये देखिए, इसकी कोटिंग अच्छी तरह से हो रही है। हमने सभी मसाले मिक्स तो कर लिए हैं, लेकिन इसमें टेस्ट और बढ़ाने के लिए हमने ये नींबू लिया है और इसे रस निकाल लेंगे। और 1 टेबल स्पून के करीब रस निकाल करके इसमें हमें डालना है। इससे होगा क्या कि जितने भी मसाले हैं
वो और अच्छी तरह भिंडी से चिपक जाएंगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए ये देखिए, नींबू का रस हमने एक टेबल स्पून के करीब लिया हुआ है और इसे इसमें डाल दिया है और इसे मिला लेंगे। अगर लगे तो एक दो चम्मच इसमें आप पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे मिलाते हुए सभी मसाले की कोटिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसमें पानी आप बहुत ही कम डालें, बस इतना कि जो हमने मसाले डाले हैं वो इससे चिपक जाए। और जब हमें फ्राई करना है, अच्छी तरह से तेल जब गर्म हो जाए उस समय ही इसमें नमक हमें मिक्स करना है। अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, अब इसमें हमें नमक मिक्स करना है। इसके लिए हमने ये नॉर्मल नमक लिया है और थोड़ा सा काला नमक ले लिया है। इस दोनों को मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें और अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद जितने भिंडी हमें फर्स्ट बैच में फ्राई करने हैं उतने ही में हमें नमक, उसी पोर्शन में नमक को मिक्स करना है। और ये हमने इसे दो पोर्शन कर लिया है, इसे दो बैच में फ्राई करना है। इधर हमने नमक मिक्स किया है, इसे इस तरह से मिला लेंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें सरसों का तेल डाल दिया है उतना, जिससे कि हमारी भिंडी फ्राई हो सके। आप जो भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हो आप उसे यूज कर सकते हैं। और तेल अब गर्म हो रहा है, देखिए तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। हमने जो भिंडी मिक्स करके रखा था नमक के साथ उसे अब इसमें डाल देना है। इस तरह से थोड़ा फैला दें। अभी इसे एक बार पलट लेते हैं। फ्लेम को हमने बहुत ही हाई नहीं रखा हुआ है, थोड़ा मीडियम ही है। बहुत ज़्यादा फ्लेम कर देने से ऊपर से ये जल जाएगी, इसके लिए मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। और इसे हल्के हाथों से पलट लें, इसे फिर से थोड़ा पलट करके फ्राई कर लें। बस ये तैयार ही हो गई है। फ्रेंड्स, ये भिंडी जो है बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से तैयार हो गई। ये अब रेडी हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। जितने बचे हैं इसमें बचे हुए नमक को डाल देंगे और मिला लेते हैं। अभी बाकी बचे हुए भिंडी भी डाल देते हैं। ऐसे तो इसमें आप नॉर्मल नमक डाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा काला नमक मिक्स कर देंगे तो टेस्ट काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। ये सभी भिंडी को हमने इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। ये भिंडी कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है इसकी आवाज से आपको पता चलेगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है, बहुत कुरकुरी बनी है, ये आप देख सकते हैं। आप इस तरह से एक बार इस रेसिपी को ज़रूरी बनाएं। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।